उपनिरीक्षित वेतन मान में 5500, 9000 में 8300 रुपए के प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतन मान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं जो बाद में हो, तो व्याख्याता के वेतन मान के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृति करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव खाद्य उद्योग विभाग से, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, इसकी कालावधि 3/9/2020 को समाप्त हो चुकी है और नई नीति जो है उसका निर्माण प्रक्रियाधीन है। उक्त के क्रम में 4/9/2020 से दिनांक 4/9/2022 या नई नीति के प्रवृत्त होने तक झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015/ झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 को विस्तारित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली के गठन के संबंध में। चौथा प्रस्ताव यह भी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड रांची के अधीनस्थ झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग नियमावली 2008 को अवक्रमित करते हुए झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। पांचवा प्रस्ताव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से, झारखंड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना लागू करने के संबंध में। इसमें पीड़ित होने पर 1,00,000 राशि और मृत्यु होने पर आश्रित को 4,00,000 की राशि मिलेगी। छठा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से, न्यायमूर्ति श्री ध्रुव नारायण उपाध्याय माननीय भूतपूर्व लोकायुक्त झारखंड एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती एंजल उपाध्याय के कोविड-19 के इलाज पर हुए व्यय की राशि कुल 31,40,127 रुपए मात्र के भुगतान प्रतिपूर्ति के संबंध में। सातवां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण से, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड रांची के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के संबंध में। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में ही आयुष संवर्ग के तीनों चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी का उनकी उम्र सीमा जो है सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है और इसीलिए उसे समान रूप से रखने के लिए कल्याण विभाग द्वारा भी 60 से 65 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव था। आठवां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से, झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली के गठन के संबंध में। नवा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु 58,01,89,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 58,01,89,000। दसवां प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग से,
विधायक योजना अंतर्गत माननीय विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर 50 लाख का व्यय निश्चित रूप से किए जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने के संबंध में। 11वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से। विभागीय अधिसूचना द्वारा निर्गत शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु गठित नियमावली को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में। 12वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से। नंदिनी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य हेतु ₹56,07,64,000 मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। ये रिपीट करें अमाउंट। नंदिनी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य, इस हेतु 56,07,64,000 मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति। 13वां प्रस्ताव भी जल संसाधन विभाग से। कांची सिंचाई योजना अंतर्गत बारांडा शाखा नहर की संरचनाओं के पुनरुद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य हेतु ₹29,23,37,000 मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 29,23,37,000। चौदहवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से। पथ निर्माण विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना द्वारा गठित झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग सेवा नियमावली 2013 के नियम 9 में अंतस्थापित करने के संबंध में। इनकी जो अवर अभियंत्रण संवर्ग नियमावली है, इसमें कार्मिक विभाग द्वारा जो डिप्लोमा नियमावली में संशोधन किया गया है, उसी अनुरूप संशोधन का प्रस्ताव था। 15वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से। पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तम शीतकालीन सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। 16वां प्रस्ताव पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निकी प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 17वां प्रस्ताव पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। झारखंड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नगद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें 3 खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक शामिल हैं, श्रीमती दीपिका कुमारी, सुश्री कोमलिका बारी, सुश्री अंकिता भगत एवं कोच श्रीमती पूर्णिमा महतो। श्रीमती दीपिका कुमारी तीरंदाज को 45 लाख नगद पुरस्कार की राशि, सुश्री कोमलिका बारी 20 लाख, सुश्री अंकिता भगत 20 लाख, श्रीमती पूर्णिमा महतो तीरंदाज प्रशिक्षक 12 लाख। नहीं, ये
घटनोत्तर नहीं है ये आपका। ये पूर्व का है, हाँ घटनोत्तर। अठारहवां प्रस्ताव परिवहन विभाग से, झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग, नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें संशोधन नियमावली 2021 पर स्वीकृति के संबंध में। झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग, सभी नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन है वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो आप, हाँ सेम, हाँ सभी वही है, भाषा से संबंधित और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं और 12वीं से संबंधित है। बीसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, अच्छा 19 समय नहीं पढ़ा, उन्नीसवां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेदिनी नगर नगर निगम हेतु 161,77,61,000 रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनी नगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 21वां प्रस्ताव भी नियमावली से संबंधित है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुहरेर सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं आईटी एडवाइजरी सर्विस प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय 79,20,000 की स्वीकृति के संबंध में 79,20,000। हाँ ये है आपका राजस्व विभाग का प्रस्ताव जिसके तहत भू अभिलेख के सुदृढ़ीकरण सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के सुदृढ़ीकरण सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु आईटी एडवाइजरी सर्विसेज प्राप्त करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG का मनोनयन के आधार पर चयन और सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय 79,20,000 की स्वीकृति के संबंध में। तेईसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, ये भी नियमावली से संबंधित है,
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग चौबीसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। विभागीय राज्यादेश 2051 दिनांक 10/6/19 द्वारा रांची जिला अंतर्गत कांके अंचल के मौजा कदमा के थाना संख्या 155, खाता 55, प्लॉट संख्या 580 का कुल रकबा 23.5 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अंतर्गत कैंसर केयर सेंटर की स्थापना हेतु एसपीवी 1 के साथ लीज बंदोबस्त गैर मजरुआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन के संबंध में, इसमें खाता प्लॉट रकवा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, जो चौहदी था उसमें संशोधन है। इसका जो चौहदी है उसमें संशोधन है मात्र। पच्चीसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। आशुलिपिक की नियुक्ति भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। छब्बीसवां प्रस्ताव वित्त विभाग से। प्री बजट वर्कशॉप के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत आईआईएम रांची को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में। क्या प्रश्न है? हाँ, 12.5 लाख इसमें प्लस जीएसटी। 27वां प्रस्ताव वित्त विभाग से। वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 28वां प्रस्ताव वित्त विभाग से। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त नाबार्ड से 185,11,81,000 रुपये मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण का 20% 37,02,36,200 रुपये मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति के संबंध में। 29वां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर CSE SPV को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत संबद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा पंचायत भवन, वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्र की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा CSE SPV के मध्य किए जाने वाले इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति। मुख्य रूप से जो CSE SPV है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसके साथ राज्य सरकार द्वारा इकरारनामा किया जाएगा
और वे इसके तहत राज्य के रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। पंचायत भवन, वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्रों को स्थापित करने के लिए, मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ इसको। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर सीएससी एसपीवी को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत संबद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा पंचायत भवन, वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्र की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा सीएससी एसपीवी के मध्य किए जाने वाले इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति। पंचायत भवन में, वार्ड्स में वो परमानेंट सेंटर के रूप में वो कार्य करेगा, आधार नामांकन केंद्र के रूप में। पीईसी कहलाएगा वो, परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर के रूप में। प्रस्ताव संख्या 30 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से। झारखंड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्री परिषद झारखंड के द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में, इसमें जो निर्णय लिया गया था उसमें एक वाक्य अंकित था कि विषयगत मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर एलपीए में पारित आदेश से प्रभावित होगा, इसे विलोपित करने का निर्णय लिया गया। इकतीसवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों हेतु प्रारंभ किए गए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय इकरारनामा करने पर स्वीकृति के संबंध में। जो संस्था जिसके साथ इकरारनामा हो रहा है उसका नाम है केयर इंडिया, और जो केयर इंडिया ये जो भारत सरकार द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम जो कार्यान्वित है जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी का आकलन किया जाता है, तो उससे संबंधित टेक्निकल सहयोग देने के लिए ये गैर वित्तीय इकरारनामा है, इसमें कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बत्तीसवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को वितरित किए जाने वाले नोटबुक कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मुद्रित करने की स्वीकृति। क्लास रिपीट कर दीजिएगा, 1 से 8 एवं 9 से 12 सभी, मतलब नोटबुक में। हाँ, इनको नोटबुक के मुख्य पृष्ठ पर। योजनाओं की जानकारी, योजनाओं से लाभ किस तरह लिया जाना है। 33वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में।
के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में। चौतीसवां प्रस्ताव, इसकी घोषणा तो पहले हो चुकी है इसलिए आप लोगों को जानकारी है। इस नियमावली से लगभग 62,876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके तहत मानदेय वृद्धि, 60 वर्ष की आयु तक सेवा, आकलन परीक्षा के उपरांत मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश एवं योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। चौतीसवां प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को COVID-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने हेतु मोबाइल टैब उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें लगभग 21,000 बच्चे लाभान्वित होंगे, 21,000, और जो कुल अनुमानित व्यय है 26,25,00,000 रुपए। हाँ, आवासीय विद्यालय सभी बच्चे। हाँ, कल्याण विद्यालय इसमें जितने हैं। जी, प्रस्ताव संख्या 35, जल संसाधन विभाग से भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यांतर्गत शहीद नीलांबर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपये 104,22,00,000 मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 104,22,00,000। 36वां प्रस्ताव, ये भी नियमावली से संबंधित है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से झारखंड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन। भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें नियमावली। 37वां प्रस्ताव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 38, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा, प्रस्ताव संख्या 39, पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत डेंगी डी बनवारा डोमना डी पथ कुल लंबाई 13.025 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 49,15,87,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 40, पथ निर्माण विभाग दुमका जिलांतर्गत कोरघा मोड़ NH-133 पर चंपागढ़ सरैया हाट NH-133 पर पथ की कुल लंबाई 13.695 किलोमीटर
को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू अर्जन सहित कुल 45,14,15,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 41 पथ निर्माण विभाग से लातेहार जिलांतर्गत तुम्बा गढ़ा NH-75 पर केड़ SH-9 पर पथ कुल लंबाई 11.002 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित 29,46,57,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 42 पथ निर्माण विभाग रांची जिलांतर्गत इरबा और मांझी NH-33 पर रुक्का सालहन गोंदली पोखर पथ पर स्वर्ण रेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ लंबाई 7.5 किलोमीटर निर्माण कार्य यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं भू अर्जन सहित ₹68,88,67,700 मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 43 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 44 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विविध प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन चैरिटीज एड फाउंडेशन एंड फाउंडेशन TRIF ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF एंड बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन BWF के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में। ये तीन संस्थाएं हैं अलग अलग जिनके माध्यम से बेसिकली कंसल्टेंसी का ये कार्य करेंगे और इमेजमेंट के डिटेल्स हैं। बेसिकली जो वर्तमान में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए उसके आईटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आईटीआई इकोसिस्टम को ताकि जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं और क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं दोनों के मैचिंग अच्छी तरीके से हो पाए उसके लिए ये संस्थाएं काम करेंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रस्ताव संख्या 45
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ये परिवहन विभाग का प्रस्ताव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य में दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को दे वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में इसमें लगभग 700 से अधिक हैं, 791 के लगभग हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं क्योंकि अलग अलग समय पर ये समायोजित हुए हैं, क्राइटेरिया भी अलग अलग है। नहीं, जो कुल अनुमानित व्यय है वो 140 करोड़ व्यय होने की संभावना है, अतिरिक्त अधिभार जो होगा। प्रस्ताव संख्या 46, केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मील की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति। इसमें जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, 6 से 36 माह के बच्चों को जो पूरक पोषाहार मिलता है, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो हॉट कुक मील मिलता है उसके रेसिपी में संशोधन किया गया है। वो संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि जो चावल प्रोवाइड किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, वो नॉर्मल चावल के बदले वो फोर्टिफाइड राइस अभी प्रोवाइड किया जा रहा है न्यूट्रिएंट्स के साथ, जिसकी राशि कुछ अधिक है। वो 3 रुपए प्रति किलो होता था, उसकी राशि अभी 3 रुपए 73 पैसे हो रहा है। तो चूंकि यूनिट कॉस्ट को सेम रखना है इसीलिए वो हल्का सा परिवर्तन किया गया है। हर कैटेगरी में अलग अलग परिवर्तन है, जैसे कहीं पर निर्धारित गुड़ जो है वो 30 ग्राम के स्थान पर 25 ग्राम किया गया है, इस तरह का हल्का संशोधन किया गया है रेसिपी में। यूनिट कॉस्ट जो है टोटल मील का वो उतना ही रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 47, दुमका जिलांतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भू भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु कुल 1204.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 48, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्धन हेतु परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड का परामर्शी एजेंसी मनोनीत करने के संबंध में। झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्धन हेतु परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSMCL को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड का परामर्शी एजेंसी मनोनीत करने के संबंध में।
ये प्रतिशत के आधार पर है, डिटेल्स अलग से इसका ये कर दें क्योंकि निर्माण। हाँ छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रस्ताव संख्या 50 खाद्य सार्वजनिक वितरण। अच्छा 49 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। राज्य योजना अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों जिनके पास ऑन रोड दुपहिया वाहन है को प्रति माह ₹250 पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक अनुमानित राशि 9,01,86,00,000 पर सीएम सपोर्ट्स योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के कार्यान्वयन हेतु 1,39,00,000 रुपए मात्र के व्यय की स्वीकृति। ये वार्षिक अनुमानित जो राशि है वो 9,01,86,00,000 है जो प्रति माह ₹250 पेट्रोल सब्सिडी की अनुदान राशि। और जो अमाउंट 2021-22 के लिए जो अनुमानित है शेष वित्तीय वर्ष के लिए वो 1,39,00,000 मात्र है। संख्या एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितने आपके NFSA और GSFSS से आच्छादित हैं, जितने आपके आच्छादित राशन कार्ड धारी हैं और फिर आपके उनके ऑन रोड दोपहिया वाहन है इसमें है, वो संख्या अलग से हम लोग विभाग से पूछ कर ये इंडिकेट करेंगे। प्रस्ताव संख्या 50 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से, ये इसी से संबंधित है जो राशि अभी बताई गई थी 1,39,00,000 रुपए मात्र उसके झारखंड आकस्मिकता निधि से राशि की बजट उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 51 जो अंतिम प्रस्ताव है खान एवं भूतत्व विभाग से, खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार एवं इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी iForest के बीच एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी शॉर्ट में iForest उसका नाम है के बीच नॉलेज एंड ट्रेनिंग पार्टनर ऑन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट ट्रांजिशन इन स्टेट ऑफ झारखंड फॉर अचीविंग इम्प्रूव्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संबंध में।
और ये भी नॉन फाइनेंशियल इसमें जो डीएमएफटी का इम्प्लीमेंटेशन जिलों में होता है उसका और किस तरह से बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो सके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ये परामर्शी के रूप में नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। धन्यवाद। में 51 प्रस्ताव पारित हुए और इसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है वो है सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 पर। और इसके साथ ही बहुत सारी योजनाएं ऐसी बहुत सारी योजनाओं पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी और 51 इसके साथ साथ उत्पाद राजस्व बढ़ोतरी के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। बहुत सारी नई चीजें बहुत सारे जो नियमावली में संशोधन किया गया चाहे श्रम विभाग की हो जाए इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अधिक को विस्तार दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो केंद्रों में पूरक पोषाहार की रेसिपी में बदलाव किया जा रहा है यानी कि 6 सप्ताह से 36 सप्ताह के बच्चों को जो कुपोषण से मुक्ति के लिए जो आहार दिया जाता है उसे और थोड़ा पौष्टिक बनाने के लिए रेसिपी में बदलाव किया जा रहा है। गुड्डा में पुलिस आवास के लिए 58 करोड़ की मंजूरी मिली है। नंदिनी जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 56 करोड़ की मंजूरी मिली है। कांची सिंचाई योजना के लिए पुनरुद्धार के लिए 29 करोड़। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला एमवीआई नियुक्ति नियमावली में संशोधन लेकिन सबसे बड़ा फैसला सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को मंजूरी और इससे राज्य के 62,000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। और ये वो शिक्षक है जो लगातार आंदोलनरत थे खुद का स्थायीकरण की मांग करते नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और इसको लेकर एक नियमावली तय की गई तमाम पारा शिक्षकों के गुट से इसको लेकर बात की गई कुछ आपत्तियां आई उसका निष्पादन हुआ और आखिर में अब इस नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है जिसके तहत अब 62,000 शिक्षक जो है वो स्थायी हो जाएंगे और उनको बहुत सारे जो स्थायी शिक्षक होते हैं वो लाभ मिलेगा। हालांकि वेतनमान की बजाय उन्हें मानदेय से ही संतुष्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहले सरकार ने किया था तय कि मानदेय राशि उन्हें मिलेगी। आकलन परीक्षा होगा इसमें ये बहुत बड़ा फैसला बहुत एक लंबे अंतराल के बाद इस कोविड के हालत में सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस कैबिनेट की बैठक में 51 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की रजामंदी देखने को मिली है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को मंजूरी दी कैबिनेट ने और ये सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।